यदि आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है या फिर थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो जाहिर सी बात है कि आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिए गए ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते होंगे। लेकिन यदि मैं आपको कहूं कि आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिए गए ऑप्शन की भाषा को आप अपनी भाषा में बदल सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यदि आप मानते हैं कि इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिए गए ऑप्शन की भाषा को बदला जा सकता है, तब तो कोई बात नहीं है। और यदि आपको लगता है कि यह कैसे संभव हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह संभव है। आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिए गए ऑप्शन की भाषा को आसानी से आप अपनी भाषा में बदल सकते हैं। और जब आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिए गए ऑप्शन की भाषा को अपनी भाषा में बदल लेंगे, तब आपको इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिए गए ऑप्शन को समझना आसान हो जाएगा। यह सब कैसे होगा, यह बताने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप ऑन पैसिव के साथ लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, यदि आप ऑन पैसिव से लंबे समय तक अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑन पैसिव के नाम पर कई तरह का धोखाधड़ी किया जा रहा है। इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, जिसे मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा। उस वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और ऑन पैसिव के नाम पर किया जाने वाला धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिए गए ऑप्शन को हम अपनी भाषा में किस तरह से बदल सकते हैं। यह देखने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम के डैशबोर्ड का ऑप्शन का भाषा अंग्रेजी में है, जिसे आप बदल के अपनी भाषा में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है। इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दाहिने साइड ऊपर में इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा, हमें बस इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इतने सारे भाषा का ऑप्शन दिख जाएगा, जो लगभग 132 भाषा है। इन भाषा में आपका लोकल भाषा भी ऐड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पर भोजपुरी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैथिली लिखा हुआ है, यहाँ पर नेपाली लिखा हुआ है। तो इस तरह से हिंदी भाषा में भी कई सारे लोकल भाषा दिया हुआ है। आप इन ऑप्शन में से जिस भाषा को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भाषा में आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड के ऑप्शन को देखना चाहते हैं, बस आपको उस भाषा पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इकोसिस्टम के डैशबोर्ड के ऑप्शन को हिंदी भाषा में बदलना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम का डैशबोर्ड का ऑप्शन हिंदी भाषा में बदल गया है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन भी हिंदी में लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी ये सारे ऑप्शन हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद जो नोटिफिकेशन अपडेट है, वह भी हिंदी में लिखा हुआ है। यानी इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में जितने सारे ऑप्शन है, सभी हिंदी में हो गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इकोसिस्टम के डैशबोर्ड के ऑप्शन को अपनी भाषा में बदल सकते हैं। यहाँ तक कि इकोसिस्टम के अपडेट का नोटिफिकेशन भी हिंदी भाषा में बदल गया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम के डैशबोर्ड के ऑप्शन को अपनी भाषा में बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिए गए ऑप्शन की भाषा को हम अपनी भाषा में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अपनी भाषा में किस तरह से बदल सकते हैं। इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।